जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आजकल हैप्पीनेस उत्सव चल रहा है और यही हैप्पीनेस उत्सव हमारे विद्यालय में भी चल रहा है और इसी को हम दिखा रहे हैं अलग अलग क्लासों में जाकर और जान रहे हैं कि बच्चों को यह इस हैप्पीनेस उत्सव में क्या क्या सीखने को मिल रहा है और इन्हें ये कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ एक्टिविटी क्या कर रहे हैं। तो चलिए आज हम 8th क्लास में चलते हैं, 8B में, और दिखाते हैं कि कैसे बच्चे इसमें सीख रहे हैं। यहाँ पर माइंडफुलनेस चल रही है, सभी बच्चे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए इन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं है। अभी ओपन योर आईज ऑल ऑफ यू। तो अभी आपने आसपास अपने कौन कौन सी चीजें सुनी, आवाजें सुनी है बताएं, ठीक है? पीछे से स्टार्ट करते, लास्ट बेंच और ठीक, थोड़ा तेज बोल दी। बच्चों की बातों की आवाज आ रही थी, सर बोल रहे तो उसकी आवाज आ रही थी, पंखों की आवाज आ रही थी। बैठ गए हम डिफरेंट मूड, हम चिड़िया की आ रही थी और पंखे चलने की आ रही थी। ठीक है, बैठिए। और आप बताइए क्यों गए? मैम कोई डेस्क के अंदर पैर मारा था, उसकी आ रही थी और बच्चों की ऐसा देखने सर की आवाज आ रही थी। ठीक है, बैठ। हां जी मान लीजिए, बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा दो। अब हम ये जानना चाहते हैं कि चलिए सबको नंबर नंबर कुछ इससे अलग आपको किसी को सुनाई दिया हो तो हाथ खड़ा करें। अच्छा हाँ बताइए। अच्छा भागते हुए की आवाज आ रही थी, बताइए। सर मुझे कोई सी मैगनेट होने की आवाज आ रही थी, जैसे सर जैसे काल एकदम बजता है तो वैसे आवाज आ रही थी और आपकी आवाज। ठीक है, चलिए। चलिए तो आपको हैप्पीनेस में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। तो आपने क्या देखा हैप्पीनेस में, क्या क्या सीखने को मिला आपको, कोई विशेष अनुभव जो किसी के पास हो कि हाँ हमारे अंदर हैप्पीनेस से कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, हमारा मन या हमारी फीलिंग्स पे कंट्रोल हुआ, ऐसा कुछ आपको महसूस हो, वो एक्सपीरियंस आप बताइए। जी चलो, वो हिमांश जी बता रहे, चलिए आप। सर जैसे कि मैम ने एक एक्टिविटी करवाई थी, उन्होंने हमारे शरीर के बारे में बताया था कि जैसे कि हमारे शरीर में कब कब खुशी होती है और वहाँ पे मेरे थोड़ी थोड़ी गुदगुदी सी होती है और मुझे वो फीलिंग आई है, जब मेरे को थोड़ी सी टेंशन होती है तो मेरे उस जहाँ पे गुदगुदी या कुछ होता है। मतलब आपने अपनी फीलिंग्स को जानने की कोशिश करी है। बहुत बढ़िया, हिमांशु बताएगा। हिमांशु आपसे, चलिए बताइए, आप बता दीजिए। अच्छा कंसंट्रेशन, हैप्पीनेस में कई सारी स्टोरी हमने पढ़ ली होंगी, तो किसी को ऐसा कोई ऐसा है जिसको कोई बहुत बढ़िया स्टोरी लगी हो, उससे कुछ सीखने को मिला हो तो कौन बताएगा? चलो इस बार यहाँ आते हैं, आप बताइए। हाथी की रस्सी वाला, तो वो क्या था उसमें समय? तब भी नहीं तोड़ पाया उसे,
अच्छा कोशिश ही करना छोड़ दिया तो इससे क्या सीख मिलती है? हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। जी कोई नहीं सोच स्टार्ट कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया, तेज आवाज में बोलना, ऊंची आवाज में। नाम क्या आपका? नाम पहले जी। सर ने एक कहानी बताई हमें, एक आदमी होता है ना, वो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनसे बोलता है एक टोकरी में है ना चॉकलेट स्वीट रख देते हैं और फल रख देते हैं, ठीक है। फिर है ना उन आदमी, वो आदमी कहता बच्चों से जो जो भी पहले उस वाली टोकरी को छू के आएगा उस पेड़ को, उसे सारे स्वीट मिल जाएंगे। फिर पता है फिर सारे बच्चे एक साथ हाथ पकड़ के है ना सारे एक साथ टोकरी को छूते हैं। फिर वो आदमी पूछता है कि आप साथ में एक साथ हाथ भी पकड़ा? फिर उनने बोला कि है ना हम लोग एक जना खुश कैसे रह सकता है जब सारे दुखी हो। बहुत बढ़िया। सर मैंने एक हैप्पीनेस में अभी रिसेंटली एक कहानी सुनी थी जी। वो उस कहानी का नाम था किसका फैसला। सर वो किसका फैसला? सर वो उस कहानी में ये था कि एक पिता थे और एक उनका बेटा था, वो गांव से शहर की तरफ जा रहे थे। तो उन्होंने अपने वो सफ़र करने के दौरान अपना गधा भी अपने साथ लेकर चले थे। तो सर वो गधे को अलग और पिता और बेटा दोनों पैदल जा रहे थे रस्ते में। तो रस्ते में कई लोगों ने उनको बीच में टोका कि देखो कैसे लोग हैं गधे को साथ में ऐसे लेके जा रहे हैं मगर उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो पिता अपने बेटे को गधे में बैठा देता है। फिर जब वो थोड़ी और आगे जाते हैं तो फिर उनको ताने सुनने को मिलते हैं। फिर वो लोग ताने मारते हैं कि देखो कैसे पिता है अपने बेटे को गधे में बैठा दिए और खुद पैदल चल रहे हैं। फिर वो खुद गधे में बैठ जाते हैं और अपने बेटे को पैदल चलाते हैं जी। तो फिर उनको आगे फिर कई लोग उनको ताना मारते हैं कि कैसे कैसे बेटा है वो अपने पिता को गधे में चला के चल रहा है और खुद पैदल चल रहा है। तो फिर ऐसे ही खूब ताने रास्ते में सुन के वो आगे शहर पहुँच जाता है। तो हमें इसका एक सीख मिलती है कि ऐसा कई बार होता है सर, अपने भी ऐसे कड़ा मार सत करते हैं, कभी दूसरे भी लोग करते हैं हमारे रोज की जिंदगी में कि हम कोई काम भले हम सही कर रहे हो मगर लोगों की वजह से हमें उसको गलत करना पड़ता है, भले वो हमें कंफर्टेबल हो या ना हो। इसलिए जो हमें कंफर्टेबल जिसमें हो रहा है हमें वही करना चाहिए। बहुत ये तो और कुछ सीखने को कुछ एक्टिविटी और मैंने देखा कि आपने हैप्पीनेस वॉल भी बना रखी है, बहुत सुंदर है ना। हैप्पीनेस वॉल भी मैं देख चुका हूँ आपकी, आपने काफ़ी अच्छे से सजा रखा है। और अब थोड़ा मैडम से और पूछ लेते हैं हम थोड़ा, श्वेता मैम से। नमस्ते सर। कि मैम आपको क्या बदलाव लग रहा है इसमें? मतलब हैप्पीनेस जब से बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों में क्या बदलाव? बच्चों में नहीं, जो मेरे को सीखने को मिला खुद के लिए भी कि बच्चों से एक्सपीरियंस से मैंने अपने अंदर काफ़ी चेंजेस करे और हैप्पीनेस जब मैं बच्चों को आती हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी उनके साथ शेयर करती हूँ और ये एक्टिविटी करती हूँ। तो इससे मेरे को भी अपनी डेली लाइफ के अंदर काफ़ी रिलैक्स फील होता है और मैं अपने डिसीजन थोड़े सही तरह से, और मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो बच्चे हैं वो इस हैप्पीनेस के जो महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके अंदर खुद को रिलैक्स कर पा रहे हैं, कंसेंट्रेशन उनका इंक्रीज हो रहा है और जो डिसीजंस हैं वो ठीक तरह से ले पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। अपने आप के लिए ताली बजाओ एक बार। बहुत सुंदर।
चलिए फिर चलते हैं हम, आप लोग पढ़ाई जारी रखें, अपनी एक्टिविटी जारी रखें मैडम के साथ। तो सभी को जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।